वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। कानपुर हिंसा मामले में प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी की पत्नी सहीदा जफर के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है। सहीदा से 30 जून तक जवाब मांगा गया कि नक्शे के विपरीत मकान बनाने पर उसे क्यों ना ध्वस्त किया जाए। नोटिस में केडीए ने कहा कि 14 जून को सूचना मिली है कि आपने काकादेव इलाके के हितकारी नगर में बिना स्वीकृति के अवैध रूप से मकान का निर्माण किया है। करीब 200 वर्ग गज के क्षेत्रफल में दो मंजिला मकान बनाया गया है। यहां हॉस्टल का संचालन भी किया जा रहा है। इस संबंध में 30 जून की दोपहर 12 बजे तक केडीए दफ्तर में हाजिर होकर लिखित में जवाब दाखिल करें। ये भी बताएं कि उक्त निर्माण को क्यों ना ध्वस्त किया जाने का आदेश पारित किया जाए। केडीए ने यह भी कहा कि सहीदा खुद हाजिर होकर जवाब पेश कर सकती हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर जवाब दाखिल करवा सकती हैं। बिना स्वीकृति के निर्माण किए जाने पर 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जरूरी होने पर 2,500 रुपए रोजाना के हिसाब से भी फाइन किया जा सकता है। आपको बता दें, अब तक की जांच में मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के करीबियों का PFI से कनेक्शन बताया जा रहा है। CAA और NRC में जफर का नाम सामने आया था। हालांकि मामले की जांच अभी भी चल रही है। कानपुर हिंसा की जांच में पुलिस को जफर हयात हाशमी के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें फंड इकट्ठा करने का तरीका बताया गया है। पुलिस को शक है कि जफर हयात हाशमी जानबूझकर PFI के सीधे संपर्क में नहीं था, बल्कि दूसरे लोगों के जरिए वह फंडिंग इकट्ठा करने के तरीके सीख रहा था। फंड इकट्ठा करवाने का काम सीखने में उसकी पत्नी भी शामिल थी। यही वजह है कि जांच कर रही SIT ने मंगलवार को जफर की पत्नी से भी हिंसा के संबंध में पूछताछ की है। जफर हयात हाशमी की पत्नी जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप के सक्रिय सदस्य और कई की ग्रुप एडमिन भी है। इसमें कानपुर में बाजार बंदी कराने को लेकर चैट भी सामने आई। कुछ चैट ऐसे भी मिली हैं जिसमें वह जफर हाशमी को चैट डिलीट करने की बात भी कह रही हैं। माना जा रहा है कि SIT पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। बड़े सबूत हाथ लगते ही गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।